हे वेलकम यूट्यूब, आई एम निकेतन, यू आर वॉचिंग वेट स्टडी। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी वेटनरी फिजियोलॉजी की, तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ एलपीएम की। तो एलपीएम को हम पहले तो फुल फॉर्म देख लेते हैं एलपीएम की, ठीक है। तो एलपीएम का मतलब होता है लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो आप इस सब्जेक्ट के नाम से, क्योंकि ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, आपने थोड़ी बहुत फिजियोलॉजी पढ़ी होती है, फिजियोलॉजी आपको मतलब मैच कर जाती है ह्यूमन फिजियोलॉजी से, ठीक है। एनाटॉमी में अगर आप देखते हैं तो एनाटॉमी में भी काफ़ी बोन्स, मसल्स, ये सारी चीज़ें काफ़ी हद तक मैच कर जाती हैं जो अभी तक आप पढ़ते हुए आए हैं। बट एलपीएम बिल्कुल एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता आज तक भी, ठीक है। तो ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट रहता है आपके लिए, और कईयों के लिए सिरदर्द बन जाता है और कईयों के लिए काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट भी बन जाता है। तो देखिए, इसका सही अप्रोच क्या है एलपीएम को पढ़ने के लिए, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है कि जो एलपीएम है वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। आप यहाँ पर चीज़ों को याद नहीं रख सकते, जैसे कि मैंने आपको बताया था फिजियोलॉजी के अंदर कि आपको ज़्यादातर चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, यहाँ पर आपको चीज़ें प्रैक्टिकली लगानी है, ठीक है। यहाँ पर आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आप समझ ही नहीं सकते, अगर आप मतलब समझ कह रहा हूँ, अगर आप याद नहीं रख सकते, अगर आप चीज़ें समझ नहीं रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल रहना है, सबसे पहला पॉइंट यही है, ठीक है। चीज़ों को समझना है, सबसे पहली बात समझना वहाँ भी है, पर वहाँ पर आपको चीज़ें समझ करके याद करनी है। बट यहाँ पर अगर आप एक बार समझ लेते हैं ना, फिर तो आप पेपर में लिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट समझना यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि वहाँ पर आपको चीज़ें समझ ली, बट वहाँ पर एक पैटर्न लिखने का ज़रूरी है, ठीक है। सिर्फ समझ के आप वहाँ पर नहीं लिख सकते आंसर, बट अगर यहाँ पर आपने आंसर समझ लिए तो आप आंसर से लिखाएंगे, ये इतनी गारंटी है। क्योंकि मैंने एलपीएम में मैंने भी और बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो सिर्फ समझते हैं और वो आंसर अपने आप बनाकर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, क्या अप्रोच है एलपीएम के अंदर, सबसे पहली अप्रोच आती है कि यहाँ पर आपको वीडियोज़ देखनी है, ठीक है। अब मैं ये वीडियोस किस टाइप की वीडियोस बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको पढ़ाने वाली वीडियोस नहीं देखनी, और पढ़ाने वाली वीडियोस तो शायद मिलेंगी भी नहीं एलपीएम की। आपको कौन सी वीडियोस देखनी है, देखिए लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के अंदर आप क्या देखेंगे कि जो एनिमल्स हैं उनका प्रोडक्शन करना है और उन्हें मैनेज करना है, तो एक मैनेजमेंटल टाइप ऑफ सब्जेक्ट है। तो इसके अंदर आप क्या देखेंगे कि जितने भी आपके कैटल फार्म हैं, ठीक है, गोट फार्म हैं, ठीक है, या डिफरेंट एनिमल्स के जो हमारे पिग फार्म हैं, इन सभी फार्म्स पे आप जो जैसे वीडियोस, बहुत सारी वीडियोस होती हैं कि उन फार्म्स को कैसे मैनेज करा जा रहा है, ठीक है, उन फार्म्स को बनाने के लिए क्या क्या सामान यूज़ हुए थे, ठीक है, और उन जो वहाँ पर ब्रीड रखी हुई हैं वो कौन सी ब्रीड हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना जब आप प्रैक्टिकली देखते हैं इन चीज़ों को, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं, ठीक है। और मैंने भी YouTube पर काफ़ी वीडियोस देखी थी, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत मार्क्स लाने थे या ऐसा कुछ, बल्कि मुझे इंटरेस्ट आता था और वो चीज़ मुझे लगा कि मुझे उस चीज़ ने फ़ायदा दिया, तो बेनिफिशियल रही मेरे लिए। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपको वीडियोस देखनी चाहिए, ठीक है, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। फिर इसके बाद आपकी बात आती है कि आपके जो कॉलेज के अंदर कोई भी फार्म होगा, कैटल फार्म होगा, ठीक है, गोट फार्म होगा, हमारे कॉलेज में भी है, ठीक है, सभी एनिमल्स हैं, तो वहाँ पर आपको जब भी आपके कॉलेज रीओपन होंगे तो आपको वहाँ पर ज़रूर जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिकली वहाँ पर चीज़ें देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। क्योंकि मुझे आज तक भी मतलब याद है कि जब हमने फ़र्स्ट टाइम हम गए थे, ठीक है, हमने देखा था डिफरेंट एनिमल्स को, तब सर ने ब्रीड्स हमें बताई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना मतलब एक मेमोरी की तरह आपके साथ हमेशा रहेंगी, ठीक है। हमने पहले सबसे पहले जो पल्स रेट लिया था, ठीक है, कैटल के अंदर कैसे लिया था, ठीक है, वो भाग रही थी इधर उधर, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, रेस्पिरेशन रेट, रेक्टल टेम्परेचर लिया था हमने, वो कैसे लिया था, ठीक है। तो ये आपको फार्म पर जाकर ही ये सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, तो आपको कभी भी कोई भी जो आपकी विजिट है वो आपको मिस नहीं करनी, प्रैक्टिकल इसके अंदर आपको जाना ही जाना है। इसके बाद इमेजेस, ठीक है, इमेजेस मैं किसके लिए कह रहा हूँ, इमेजेस मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ब्रीड्स के लिए। देखिए ये बहुत एक हेक्टिक प्रोसेस हो जाती है मैक्सिमम बच्चों के लिए, मैंने देखा बहुत बच्चों को रोते हुए, ठीक है, उन्हें ब्रीड्स याद नहीं रहती, सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये आती है कि उन्हें ब्रीड्स याद नहीं रहती। तो देखिए ब्रीड्स में मुझे फॉर्चुनेटली ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी, और मैक्सिमम लोग मतलब ये होता था कि लोग मेरे से पूछते थे ये वाली कौन सी ब्रीड है, जब हमारे यहाँ किसान मेला हुआ था, ठीक है, एनिमल फेयर, तो उसके अंदर मैक्सिमम लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ये ब्रीड कौन सी है, ये ब्रीड कौन सी है, तो मैंने ब्रीड्स कैसे याद रखी वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो देखिए ब्रीड्स याद रखने का सिंपल सा फंडा ये है
कि आपको जो जिस भी एनिमल की ब्रीड या किसी के भी कैटल की हो गई, ठीक है, हॉर्स को की हो गई, पिग की हो गई, गोट की हो गई, ठीक है, या फिर रैबिट की हो गई, डॉग्स की हो गई, कैट की हो गई, किसी भी एनिमल की अगर आपको ब्रीड्स याद रखनी है, क्योंकि ब्रीड एक दो तो होती नहीं, बहुत सारी ब्रीड्स हैं, तो याद रखने के लिए आपको उस इमेज को, उस एनिमल की इमेज को अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं होल्स्टीन फ्रिशियन, ठीक है, तो ये एक कैटल की ब्रीड है, ठीक है। अब अगर मैं याद करता हूं तो उसका कलर कैसा होता है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट टाइप में होती है, ठीक है, वाइट पे ब्लैक पैचेस होते हैं जनरली, और ठीक है उस, और अगर मैं बात करूं शाहीवाल की, तो वो ब्राउन और रेडिश कलर में हमारी काव होती है, ज़्यादा बड़ा उसका ड्यूलप होता है। तो ये सारी चीज़ें अभी मैंने याद थोड़ी ना करी हैं, ठीक है, अब मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया ये चीज़ें पढ़े हुए, ठीक है, बट ये चीज़ें मुझे आज याद क्यों हैं, क्योंकि मैंने इनकी जो इमेजेस हैं, इन ब्रीड्स की जो इमेजेस हैं वो मैंने देखी हुई हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो मुझे याद करने के लिए बहुत चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करना पड़ता थियोरेटिकली, यहाँ पर सिर्फ मैं इमेज को याद करता हूँ कि हाँ वो जो शाहीवाल थी वो ब्राउन कलर की थी, ये सारी चीज़ें थी उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। इसके अलावा क्योंकि मैं तो थोड़ा सा मतलब डॉग लवर पहले से हूँ, ठीक है, मतलब एनिमल लवर, सभी एनिमल्स अच्छे लगते हैं मुझे, बट स्पेशली डॉग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस मैंने 10th क्लास में डॉग इंसाइक्लोपीडिया में, मतलब 10th क्लास से पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ पर तो डिफरेंट ब्रीड्स दे रखी हैं, तो हो सके तो आप डॉग्स ब्रीड भी पढ़िएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्पफुल रहती हैं, ठीक है, क्योंकि आई थिंक मोस्टली लोगों को नहीं पता होती डॉग्स ब्रीड क्या होती हैं, क्या नहीं होती, कितनी ब्रीड्स हैं, ठीक है, कैसे कैसे। तो डॉग इंसाइक्लोपीडिया अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़िएगा, और काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है, क्योंकि जैसे अब हमें पैथोलॉजी के अंदर पढ़ाई जा रही है कि कुछ डिसीज़ कोई ब्रीड स्पेसिफिक होती हैं, ठीक है, कि ये डिसीज़ सिर्फ इस ब्रीड के अंदर ज़्यादातर देखी जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं बात करूँ हिप डिस्प्लेशिया, तो हिप डिस्प्लेशिया हमारा लार्ज और जाइंट ब्रीड्स के अंदर ज़्यादा देखा जाता है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि लार्ज और जाइंट ब्रीड्स के अंदर कौन कौन सी ब्रीड्स आती हैं, ठीक है, डॉग्स के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई जाएंगी, ठीक है, एलपीएम के अंदर आपको डॉग्स ब्रीड नहीं पढ़ाई जाएंगी, बट आपको वो चीज़ अलग से करनी है, ठीक है, आपको वो चीज़ें अलग से पढ़नी है कि हाँ सेंट बर्नार्ड, लैब्राडोर्स, ये सब हमारे डॉग्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, ठीक है, ग्रेट डेन, तो ये सारी चीज़ें आपको अलग से करनी होंगी, ठीक है। और ये सब्जेक्ट के अंदर ना आपको लिटरली मज़ा आने लगेगा जब आप इन चीज़ों को ना प्रैक्टिकली देखेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे, और फिर आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप कैस्ट्रेशन करते हैं तो कैस्ट्रेशन क्यों करते हैं, कैस्ट्रेशन कैसे कर रहे हैं आप, ठीक है, क्या चीज़ों को आपको याद रखना है कि ये चीज़ें आपको नहीं करनी है, इन चीज़ों से आपको बचना है, ठीक है, एनिमल को कैसे रीस्ट्रेन करना है, कैसे पकड़ना है एनिमल को, ठीक है, ऐसा नहीं कि जाकर ऐसे ही पकड़ लिया, ठीक है, नहीं तो वो तो एनिमल है भाई, वो तो क्या करेगा, वो तो फिर होने के बाद ही पता चलेगा। बट ये सारी चीज़ें ना आपको प्रैक्टिकली करके, प्रैक्टिकली देख कर ही समझ में आ पाएंगी, इसलिए ये थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद हमारे सर भी बोलते थे कि ये थोड़ा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थोड़ा नहीं मतलब पूरा ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको चीज़ें देख कर ज़्यादा समझ में आएंगी रेदर देन पढ़ करके, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना भी है, ऐसा नहीं कि पढ़ना ही नहीं है इसमें कुछ, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई आपको टीचर्स भी पढ़ाएंगे तो आपको खुद भी पढ़ना है, ये चीज़ बुक से खुद भी पढ़नी है डिफरेंट चीज़ें, तब भी आपको चीज़ें याद रहेंगी। और फिर लास्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है प्रैक्टिस, तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तभी आपको पता चलेगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, क्योंकि लोगों को सबसे पहले यही प्रॉब्लम होती है कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो वो आपको इसमें चीज़ें ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। और इसमें थोड़ा मैथमेटिक्स भी आती है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, वही सिंपल न्यूमेरिकल्स आपके आएंगे इसमें, तो वो भी आपको जब आप प्रैक्टिकल अप्रोच होगी तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एलपीएम अगर आप समझेंगे ना तो काफ़ी इजी सब्जेक्ट आपको देखने के लिए लगेगा, बट आप सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा एनाटमी के ऊपर, ठीक है, बाद में एलपीएम और फिर फिजियोलॉजी, ठीक है, क्योंकि फिजियोलॉजी के अंदर आपको ज़्यादातर चीज़ें याद रखनी है वहाँ पर, ठीक है, तो उसे तो बार बार रिवाइज़ कीजिएगा। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं वीडियो को, और मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको पूरे फर्स्ट ईयर में कैसे कैसे क्या अप्रोच रखनी है। अगर अभी तक आपको कोई चीज़ में डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपनी कोई राय है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है, मोस्ट वेलकम। और उस चीज़ के लिए मैं कोशिश करूँगा उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अगर आपको लगता है कि मुझे कोई चीज़ इम्प्रूव करनी चाहिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, and subscribe to Vet Study. Thank you.